रोहतास जिले के काराकाट थाना क्षेत्र स्थित सुकहरा डिहरी गांव में शराब माफियाओं ने एक अखबार के पत्रकार की जमकर पिटाई कर दी, जिसके कारण पत्रकार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। बताया जा रहा है कि पूर्व में पत्रकार ने अवैध शराब बिक्री का विरोध किया था, जिसके कारण माफियाओं ने इस घटना को अंजाम दिया। वहीं मामले में स्थानीय पत्रकारों ने उचित कार्रवाई नहीं करने पर आंदोलन करने की भी बात कही है। उस दिन होलिका दहन लोग कर रहा था और हम गए वहाँ अपना देखने के लिए अपने बाइक से कि हमारा पेड़ जले नहीं। हम खाली बोले कि भैया थोड़ा सा इसको बचाइएगा, हरा पेड़ है। इसी पर सभी लोग एकाएक शराब के नशे में वो लोग धूत था और एकाएक हमला लोग कर दिया। अब पूरा लाठी डंडा सब रोड लिया था का बहुत। रोहतास का ये पूरा मामला है, शराब माफियाओं ने पत्रकार पर हमला किया है। शराब तस्करी के खिलाफ मामला दर्ज करने पर पत्रकार को इस तरीके से पीटा गया है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, उसका पैर तोड़ दिया गया है। और सवालात ये खड़े होते हैं कि जिस तरीके से सूबे में शराब तस्करी धड़ल्ले से चल रही है, प्रशासन अपना काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर पत्रकार भी शराब तस्करी के विरोध में लगातार प्रशासन को भी खबर दे रहे हैं। और यहाँ पर एक पत्रकार को इसी का अंजाम भी भुगतने को मिला है, जहाँ पर शराब तस्करों ने पत्रकार को ही मारकर बुरी तरीके से घायल कर दिया है। और कुमार विपिन हमारे साथ संवाददाता रोहतास से जुड़ चुके हैं इस पर। विपिन, पत्रकारों को भी पीटा जा रहा है लगातार। नीतीश कुमार कहते हैं कि शराब मुक्त बिहार का वो सपना देखते हैं और यहाँ पर प्रशासन काम करती है, लेकिन पत्रकारों ने भी आवाज उठाया है और उसका अंजाम देखने को मिला है, जो हम टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। क्या कुछ कार्रवाई अब तक की गई है इस पर? जी ऋतिक, मैं आपको बताऊं कि शराब माफिया नीतीश कुमार भले ही बैठे पटना ऑफिस से ये बात कह ले कि शराब पूरी तरह से बिहार में बंद है, प्रतिबंधित है, लेकिन ऐसा धरातल पर ऋतिक है नहीं कुछ। धरातल पर होम डिलीवरी, आप फोन कीजिए, दारू वाले आपके घर दारू पहुंचा देंगे। अब उसी मामले पत्रकार, एक पेपर के पत्रकार हैं जिनका नाम है अशोक कुमार, वो शराब माफियाओं के खिलाफ अपने अखबार के माध्यम से कई बार आवाज बुलंद किए। उसी कारण शराब माफिया जो हैं उन पे गुस्से में थे और उन पे होली के दिन, जिस दिन होली था उसी दिन उन पे जानलेवा हमला किया और इस तरह से हमला किया है, पत्रकार को इस तरह से पीटा गया है कि पत्रकार का एक पैर भी फ्रैक्चर कर गया है और पत्रकार का छाती और पीठ भी पूरी तरह से, आप वीडियो में देख सकते हैं, दिखाई दे रहा है वीडियो में कि किस तरह से पत्रकार को पीटा गया है। और काफी मनोबल ऊंचा है, शराब कारोबारियों का इतना मनोबल ऊंचा है कि पुलिस भी उसके आगे त्रस्त है। जी ऋतिक जी, विपिन, पुलिस ने क्या कुछ अब तक कार्रवाई की है? जिन शराब तस्करों ने पत्रकार की पिटाई की है, क्या उसे अब तक गिरफ्तार किया गया है? बिल्कुल ऋतिक, ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस महज खानापूर्ति कर रही है। पुलिस की तो मिली भगत है ना, शराब माफियाओं से पुलिस की मिली भगत है। शराब माफिया किसी की सुनने वाले नहीं है। 3 दिन हो गए इस घटना को, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम पत्रकारों का समूह जाके जब हमने थाना प्रभारी से इस मुद्दे पर बात की तो थाना प्रभारी ने कहा कि हम गिरफ्तारी करेंगे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी किसी की नहीं हुई है। जी, तो अगला कदम क्या है? अगला कदम, आगे पत्रकार सब एकजुट हो रहे हैं, पत्रकार आंदोलन के मूड में। अगर शराब माफियाओं के जिन्होंने पत्रकार पर जानलेवा हमला किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो पत्रकार एकजुट होकर के और सरकार से मांग करेंगे और थाना प्रभारी से मांग करेंगे, एसपी सर से मांग करेंगे कि तुरंत अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनकी गिरफ्तारी की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बता दें, ये सिला मिला है पत्रकार को, शराब मुक्त बिहार का ख्वाब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देखते हैं और यहाँ पर शराब तस्करी के बारे में खबर छापने का ये सिला मिला है, जो कि घायल पत्रकार को आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पैर तोड़ दिया गया है। हमने अपने संवाददाता से भी बात की है, पुलिस भी कुछ भी कहने से इस पर इनकार कर रही है, कोई कार्रवाई अब तक इस पर नहीं की गई है। 3 दिन पुराना मामला है और शराब तस्करों को अब तक सलाखों के पीछे भी नहीं भेजा गया है। बाढ़ थाना क्षेत्र के हुसैनगंज गांव में सदर अस्पताल में कार्यरत नर्स के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी गई।
घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भुवनेश्वरी चौक के पास सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस कई जगहों पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता विकास जुड़ चुके हैं। विकास, बेटे की हत्या कर दी गई है नर्स के बेटे की, इसमें और क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब तक की गई है? विकास जी, देखिए, बाहर एएसपी के द्वारा लगातार छापामारी अभियान जारी है। वहीं परिजनों द्वारा सुबह में नेशनल हाईवे को जाम कर जमकर बवाल काटा है। परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि पुलिस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं परिजन ये भी कह रहे हैं कि अब तक किसी की भी पहचान नहीं हो पाई है। हालांकि बाढ़ एएसपी द्वारा लगातार आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है तथा आरोपियों को बहुत जल्द गिरफ्तार करने की बात कही जा रही है। तो क्या इसे क्या आपसी रंजिश में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है? ये देखिए, ये पूरी साफ नहीं हो पाई है। परिजनों का कहना है होली को लेकर जो मृतक है वो बाहर निकला था, इसी बीच खबर मालूम चली कि उसके बेटे को बाढ़ अनुमंडलीय अस्पताल में ले जाया गया है जहां इलाज चल रहा है। वहीं परिजन जब पहुंचे तो मालूम चला कि उसकी मौत हो गई है, उसे गोली लगी थी। लिहाजा अब पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से देखते हुए जांच प्रक्रिया में जुट गई है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास। राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित नथुपुर में रंजीत उर्फ पप्पू नाम के युवक को अपराधियों ने गोली मार दी। घायल युवक को पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। तो गोली मार दिया, लोग आया था अपना खेत देखने के लिए, इसमें हमको सूचना मिला कि गोली मार दिया गया, मार करके भाग गया। और तो कुछ बताने वाला लोग मीडिया नहीं रहा है, कौन मारा है, कौन का किया, अभी तक जाँच चल रही है। अभी तक कोई प्रत्यक्ष रूप से नहीं कहा कि तो मृतक का पता चला कौन था। मृतक का लोग कह रहा है पप्पू। और राजधानी की यह घटना है, राजधानी पटना की घटना है, और मौके से अपराधी भी फरार हो गए हैं गोली मारकर। इलाज के दौरान जब पीएमसीएच घायल को ले जाया जा रहा था और उसी दौरान रास्ते में उसने दम तोड़ दिया है। बताया जा रहा है कि आपसी विवाद के कारण अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, गोली मारकर हत्या कर दी गई है। राजधानी पटना के बेउर थाना क्षेत्र स्थित नथुपुर की यह घटना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता पंकज जुड़ चुके हैं। पंकज, बिना वक्त गवाए आपसे पहला सवाल हमारा ये है कि क्या कुछ कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई, क्योंकि अभी हमने जो है पुलिस को बोलते हुए भी सुना है कि कोई कार्रवाई इस तरीके से भी की नहीं गई है। जिसने भी अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उसका अभी कोई पता नहीं चला, तो क्या अब तक घटना के इतने घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ सफलता लगी है? जी देखिए, अभी तक किसी तरह की कोई सफलता हाथ नहीं लगी है। हालांकि पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जो भी अपराधी थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया उसके हर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, लेकिन अभी पुलिस के हाथ बिल्कुल कुछ भी नहीं लगे हैं। हाथ अभी भी खाली हैं, लेकिन पुलिस प्रयासरत है। वो हर जगह उसके जितने भी क्लू मिलते हैं, जितने भी बिंदु, हर बिंदुओं पर वो छापेमारी करते हुए हर बिंदु की जाँच भी करते जा रही है, लेकिन अभी भी नतीजा सिफर ही निकला है। जी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंकज।